गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा या टॉपिक तो हम लोग पहले देख ही थे, वर्क एनर्जी एंड फोर्स है, जिसमें पॉइंट हम लोग का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस पर वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्क इज, व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स क्या है, सॉरी वर्क क्या है? वर्क उसे कहेंगे जब किसी भी वस्तु पर जब हम फोर्स डालते हैं और वो फोर्स से, उस फोर्स से वह वस्तु जब मूव करना शुरू कर दे किसी डायरेक्शन में, किसी वस्तु किसी डायरेक्शन में वो मूविंग करना शुरू कर दे, हिलना शुरू कर दे, तो इस तरह के एक्टिविटी को या इस तरह के चीज़ों को हम लोग वर्क कहेंगे। जैसे कि एक साइकिल है, ठीक है, उस साइकिल पर कोई राइडर जो होता है वो राइड कर करके क्या होता है, फोर्स जब डालता है उस साइकिल पर तो वो क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है। उसी तरीका से हम लोग बैलगाड़ी को देख सकते हैं जो कि दो बैलों के द्वारा या एक बैलों के द्वारा खींची जाती है, तो वो बैल क्या कर रहा है, फोर्स लगाता है उस कार्ट पर, ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, वो मूविंग करना शुरू कर देता है। तो जब किसी वस्तु पर हम लोग बल डाल जब फोर्स डालते हैं और जब वो मूव करना शुरू कर दे तो हम लोग उसे वर्क कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि वर्क कंप्लीट हुआ। हम लोग बात करते हैं सिंपल मशीन का, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मशीन। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग मशीन वाले एज में जी रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ मशीन ही मशीन है। आजकल सभी काम लगभग जो है मशीनों के द्वारा की जा रही है। मशीन में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं तो मुझे वो क्या देती है, आउटपुट। वी हैव सप्लाई सम एनर्जी, उसमें हम लोग कुछ एनर्जी डालते हैं टू डू, देन इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट। जब वह मुझे द वर्क दैट वी गेट फ्रॉम द मशीन, और जब उसी एनर्जी जो हम लोग इनपुट के रूप में डाले हैं जिससे वो क्या करता है, वो हमें क्या करता है, आउटपुट, जिस कारण से वो वर्क दैट वी गेट फ्रॉम द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। और इस तरह से वो मशीन क्या करता है, मुझे वो चलना शुरू कर दे, ठीक है, या कोई काम करना शुरू कर दे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट। जैसे कि हम कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, उंगलियों के द्वारा इनपुट डालते हैं तो वो मुझे कंप्यूटर क्या देता है, आउटपुट देता है। बसेस में हम ड्राइवर क्या करता है, पहले गाड़ी को स्टार्ट करता है, इनपुट डालता है तो गाड़ी आउटपुट देती है, अर्थात वह चलना शुरू कर देती है। उसी तरह से कार, लैपटॉप और अदर मशीन पर भी दे सकते हैं। लीवर को देखते हैं, लीवर का जैसे एग्जांपल हम लोग सीसा देख सकते हैं, ठीक है, सीसा के बीचों बीच में जो होता है ना, उसी वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, लीवर कहेंगे। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, लीवर कहेंगे। इसी तरह से हम लोग सीजर को देख सकते हैं, है ना, कैंची को देख सकते हैं, कैंची के बीच वाले, कैंची के अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो बीच वाले पार्ट में देखेंगे कि दो जो कैंची का दो पार्ट होता है वहाँ पर एक बीच वाले पार्ट से अटैच होता है, उसी अटैच वाले पार्ट को हम लोग लीवर कहेंगे। द पुल्ली, पुल्ली का मतलब क्या होता है, चरखी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वेल, कुओं के ऊपर इस तरह का मशीन जो है, सिंपल मशीन लगी हुई होती है जो कि पानी खींचने का, कुओं से पानी खींचने का काम करती है, जिससे हमारा जो फोर्स जो है कम फोर्स में, जिससे हम कम फोर्स में मैक्सिमम वर्क को डन करते हैं, इसमें कम फोर्स डाल करके अधिक से अधिक काम को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो व्हील जो होता है, तो ये व्हील जो होता है ये एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है पुल्ली का, है ना। अब देखते हैं द व्हील एंड एक्सल। व्हील हम लोग देख सकते हैं पहियो, ड्राइवर जहाँ पर चलाता है, ड्राइवर जहाँ ड्राइव करता है वहाँ पर देखोगे आपको व्हील दिखाई देगा, व्हील जैसा दिखाई देगा, ठीक है। ड्राइवर उसे क्या करता है, राइट की ओर मुड़ता है तो राइट की ओर जाता है, लेफ्ट की ओर जाता है, मूव करता है तो लेफ्ट की ओर वो गाड़ी जो है मूव करती है। तो इस तरह के इसे हम लोग एग्जांपल है, ये क्या है, व्हील का एग्जांपल है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब ढालू, ढालू सतह या लुढ़का हुआ सतह। इस वस्तु पर हम लोग अगर किसी भी ढालू वाले वस्तु से, अगर ढालू है
तो ऊपर की ओर से नीचे की ओर अगर आया जाए तो मुझे आसानी होती है आने में, लेकिन अगर मुझे नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़े तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में लोग ढालू बनाया क्या किया जाता है, ढालू बना करके या इंक्लाइंड प्लेन बना करके किसी वस्तु को आसानी से ऊपर से नीचे की ओर लाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सिंपल मशीन में स्क्रू का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसे हम लोग नट भी बोल्ट भी कर सकते हैं, द वेजेस का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी का। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ को खींचना है, ढकेलना है ना, इन सभी में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, फोर्स की तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन फोर्स को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसका सोर्स क्या होता है एनर्जी का, सबसे पहली बात ह्यूमन बींग में सबसे अच्छा इसका सोर्स होता है भोजन, फूड। फूड के द्वारा ही ह्यूमन में एनर्जी मिलती है वो लोगों को या मनुष्य को या ह्यूमन को, जिससे वो किसी काम को आसानी से कर सकते हैं, उसी एनर्जी से किसी काम को कर सकते हैं। एनर्जी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, जो कि पूरी तरह डिपेंड होता है सन पर। सन के द्वारा क्या होता है, यह एनर्जी रिस्टोर होती है और उससे अलग अलग तरह के काम की जाती है। इसी तरह से वाइंड एनर्जी, हवा, पवन ऊर्जा जिससे हम लोग कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से पवन के द्वारा बनाई जाती है। इसका बनाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग वाइंड मिल को देख सकते हैं, पवन चक्की को देख सकते हैं। पवन चक्कियों के द्वारा क्या होती है, ऊर्जा का यूज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। वाटर एनर्जी, जो कि पूरी तरह से वाटर के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए वाटर एनर्जी कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लिया बड़े बड़े हम लोग देखते हैं बांध, जिसे कहते हैं हम लोग, बड़े बड़े बांधों से ऊपर से पानी को नीचे की ओर गिराया जाता है या गिरते हैं, तो उससे क्या होती है, किसी चीज़ पर वो टकराती है, तो इससे क्या करता है, एनर्जी को रिड्यूस किया, प्रोड्यूस किया जाता है, है ना। फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर बाय अलाउइंग वाटर टू फॉल फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से उसे गिराया जाता है थ्रू टर्बाइन के द्वारा, तो क्या होता है, उससे प्रोड्यूस एनर्जी को प्रोड्यूस की जाती है। जो थर्मल एनर्जी, जिसे हम लोग भूतापीय एनर्जी भी कहते हैं, जैसे भूतापीय एनर्जी या भूताप, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जमीन जो हमारा लैंड होता है वो क्या होता है, कभी कभी गर्म हो जाता है और वहाँ पर किसी वस्तुओं को रखते हैं तो वो भी क्या होती है, हॉट हो जाती है, है ना। तो इस तरह की एनर्जी जो होती है उसे जो थर्मल एनर्जी कहते हैं। मस्कुलर एनर्जी, जैसे कि हम लोग इसके पहले बताए थे, मांसपेशी ऊर्जा, जो कि हमारे पूरे मांसपेशियों के द्वारा बॉडी के हर एक पार्ट्स के द्वारा लगाई जाती है। एटॉमिक एनर्जी, आणविक एनर्जी कहेंगे, है ना। इसके द्वारा क्या होता है, एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और इसमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो इस तरह के एनर्जी जो स्टोर होती है उसका यूज करके जो एनर्जी का यूज की जाती है, इस तरह के एनर्जी को हम लोग एटॉमिक एनर्जी कहेंगे। इस तरह के एनर्जी का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक या फिर बिजली उत्पादन में भी हम लोग यूज करते हैं, जिसका यूज हम लोग बड़े बड़े कारखानों में करते हैं मशीनों को चलाने के लिए। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब क्या है, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर, फॉर एग्जांपल इस किसी तरह के फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज की जा सकती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई हीटर और ब्लोवर्स, है ना। तो आज के टॉपिक में हमने देखा वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में और एनर्जी के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर आज पूरी तरह से कंप्लीट हुई, वर्क, एनर्जी एंड फोर्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।